दोस्तों, बालिका वधू सीरियल के पहले पार्ट में हमें कई इंटरेस्टिंग कलाकार देखने को मिले। चाहे बात करें छोटी आनंदी या छोटे जग्गिया को प्ले करने वाले कलाकारों के बारे में या फिर दादी साहब वाले एक्टर के बारे में, हर एक कलाकार ने अपने किरदारों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया। और उन्हीं में से दो कलाकार थे गौरी और बड़े जग्गिया का रोल प्ले करने वाले कलाकार, जिन्होंने सीरियल में पति पत्नी की भूमिका को बेहद ही खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया। लेकिन दोस्तों, आज इस सीरियल को टीवी पर अलविदा कहते हुए 10 साल हो चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं कि सीरियल में बड़े जगह और गौरी का किरदार निभाने वाले कलाकार आज कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में उन्हीं से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बड़े जगह का किरदार निभाने वाले अभिनेता के बारे में, जिनका असली नाम शशांक व्यास है, जिनका जन्म 30 नवंबर 1986 को उज्जैन में हुआ। अब अगर बात करें इनके करियर के बारे में, तो इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2010 में बालिका वधू सीरियल में जगह का किरदार निभाकर ही की थी। जी हाँ, पहली बार इन्हें इस सीरियल में काम करने का मौका मिला, जहाँ इन्होंने आनंदी के पति बनने के साथ साथ गौरी के पति का किरदार खूबसूरती से पेश किया। साथ ही सीरियल में अपने अड़ियल और जिद्दी स्वभाव के लिए दर्शकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किए गए। इसलिए तो इस सीरियल में काम करने के बाद इन्हें रूपमर्द का नया स्वरूप और अक्षय कुमार की फिल्म 30 मार खां में काम करने का मौका मिला। अब बात करते हैं गौरी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री, तो उनका असली नाम अंजुम फारूकी है, जिनका जन्म 17 अगस्त 1981 को मुंबई में हुआ। अब अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में, तो इनके करियर की शुरुआत बालिका वधू सीरियल से ही हुई थी, जिसमें इन्हें पहली बार गौरी का किरदार निभाने का मौका मिला, जो कि एक घमंडी और सख्त किस्म का किरदार था, जिसे पर्दे पर अभिनेत्री अंजुम फाकही ने इतनी खूबसूरती से पेश किया कि सीरियल के बाद इन्हें मेरी अंतरा सीरियल में भी काम करने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों, आज बालिका वधू सीरियल को टीवी से विदा हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, और इन 10 सालों में ये किरदार काफी ज्यादा बदल चुके हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अभिनेता शशांक व्यास के बारे में, तो आज वो 34 साल के हो गए और पहले से काफी ज्यादा बदले हुए नजर आते हैं। जी हाँ, सीरियल में जहाँ ये बेहद सीधे सादे सिंपल और कुर्ता पजामा पहने, पैंट शर्ट पहने बेहद क्यूट और मासूम नजर आते थे, तो वहीं बीते सालों में ये काफी ज्यादा डैशिंग नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को काफी एनहेंस कर लिया है। आज ये स्टाइलिश बियर्ड और हेयर स्टाइल रखते हैं, जिनमें इनका लुक काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। वही अगर बात करें अपने करियर को, इन्होंने बरकरार रखा है जो लैला मजनू मूवी और शक्ति असद के एहसास के सीरियल में कैमियो करते हुए नजर आए थे। वही बात करें अंजुम फारूकी के बारे में, तो अभिनेत्री अंजुम फारूकी 40 साल की हो चुकी है और पहले से काफी ज्यादा स्टाइलिश हो चुकी हैं। जी हाँ, सीरियल में ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आने वाली अभिनेत्री आम ट्रेडिशनल नहीं बल्कि वेस्टर्न ड्रेसेस को ज्यादा कैरी करती है, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। वही आपको बता दें कि कुछ सीरियल में काम करने के बाद ये किसी और सीरियल में नजर नहीं आई, और इन्होंने साल 2012 में साकिब के साथ शादी रचा ली और आज ये एक बच्चे की मम्मी भी बन चुकी है। दोस्तों, आपको शशांक की जोड़ी अंजुम फारूकी के साथ अच्छी लगी थी या फिर प्रत्युषा बनर्जी के साथ, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।